दोस्तों, अगर आप जीवन से परेशान हैं और कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है तो असफलता के कारण मन दुखी हो रहा होगा, तो भगवद गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। तो जाने भगवद गीता के सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। पहला श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है, ये कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म के फल के लिए चिंता मत करो, कर्तव्य कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है और फलों में कभी नहीं, अर्थात तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्म यातें में भी आ सकती ना हो। दूसरा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि यदि तुम अर्थात अर्जुन युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे, इसलिए उठो हे कौंतेय और निश्चय करके युद्ध करो। तीसरा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, इसलिए कोशिश करें कि विषयाशक्ति से दूर रहे और कर्म में लीन रहा जाए। चौथा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है यानी मूढ़ हो जाती है, कंद हो जाती है, इससे स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। पांचवा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं दूसरे मनुष्य या आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। छठा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। सातवां श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है भारत यानी अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि हानि यानी उसका श्रेय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण के धर्म के अभिमन्यात के स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। आठवां श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि सीधे सीधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। नवा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधारण परायण होकर अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। दसवा श्लोक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ अर्थात भगवान की शरण में चले जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।